भारत विश्व गुरु बनने वाला है, ये अगर आपको कोई बोले तो उसको समझा दीजिएगा कि विश्व गुरु बनने के लिए विश्वविद्यालय बनाना पड़ता है, डिटेंशन कैंप नहीं, उसको समझा दीजिएगा। और जब उन्होंने ठान लिया है कि वो डिटेंशन कैंप बना के भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे डिटेंशन कैंप में घुसकर भारत का संविधान पढ़ रहा हूं, जिसके एक एक शब्द उसकी ईंटों को चुनौती दे रहे हैं, जैसे भोर की पहली किरण देती है अंधेरे को। उन नाजी ईंटों की हैसियत नहीं है कि संविधान की प्रस्तावना भी बर्दाश्त कर सके। मुझे संविधान पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, उसके पन्ने पलटने से ही तुम्हारे डिटेंशन कैंप ताश के पत्तों की तरह ढह कर मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएंगे, और मैं उस मलबे के ढेर पर खड़े होकर भारत का संविधान पढ़ूंगा। कल बिना मुंडी के लाशों के ढेर पर खड़े होकर ना पढ़ना पड़े, इसलिए आज मलबे के ढेर पर खड़े होकर पढ़ रहा हूँ, क्योंकि किसी भी मुल्क के डिटेंशन कैंप में बिछने वाली लाशों के सर काट कर लगा देना चाहिए उस मुल्क के झंडे के बीचों बीच, और लहरा देना चाहिए उस मुल्क के पतन का परचम। आखिर कब तक उन लाशों को नकार कर वे झंडे अपने मुल्क की महानता का परचम बुलंद करते रहेंगे। मैं ये संविधान संसद के गलियारों से नहीं लाया हूँ, जिसकी मौत को आवाम ने गहरी नींद समझकर अब तक उससे उम्मीदें खत्म नहीं की है। मेरा संविधान मिट्टी में सना है, मैं इसे बाबरी मस्जिद के मलबे से खोद कर लाया हूँ। मेरा संविधान आंसुओं से गीला है, मैं इसे झेलम से निकाल कर लाया हूँ। मेरा संविधान लाल है, मैं इसे दादरी की खून की नदी में तैर कर डूबने से बचा कर लाया हूँ। मेरे संविधान के सिर पर बंदूक है, मगर खौफ हथेलियों को मुट्ठी में तब्दील नहीं होने दे रही। मैं हाशिमपुरा की नालियों से संविधान बटोर कर लाया हूँ। मेरे संविधान ने सारे जुल्म झेले हैं, वो अब इनकलाब चाहता है। मैं महामहिम को नया कलम भेंट करना चाहता हूँ। कल रात नए कानून पर दस्तखत करने के साथ ही धर्मनिरपेक्षता की फांसी मुकर्रर करने के बाद उनके कलम के निब और बिस्मिल अशफाक के सपनों के टूटने की आवाज अब तक मुल्क में गूंज रही है। मगर मुल्क का हर इंसान बेचैन क्यों नहीं? मैं चाहता हूँ कि सामान्यता के सारे चिन्ह मिटा दिए जाएं, सरसों के फूलों से उनके पीले रंग छीन लिए जाएं, आसमान से उसका नीला रंग छीन लिया जाए, और इन सबको संविधान के सिद्धांतों के खून में रंग दिया जाए।